नरेशन में कल मैंने आपको सिंपल सेंटेंस पूरे करा दिए थे, आज मैं आपको इंटरोगेटिव सिखा रही हूं। होगा या तो क्वेश्चन WH से शुरू होता दिखेगा या हेल्पिंग वर्ब से, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट कैसे करना है? सबसे पहली बात, कल वाले तीनों चेंजेस सेम टू सेम। टेंस बदलना सिखाया था, इंटरोगेटिव में भी बदलेगा। एडवर्ब बदलना सिखाया था, इंटरोगेटिव में बदलेगा। प्रोनाउन बदलना सिखाया था, ये भी इंटरोगेटिव में बदलेगा। अब आते हैं, टेंस चेंज हो गया, एडवर्ब वही कल जैसा, प्रोनाउन भी कल जैसा, नया क्या करना है फिर हमें? नया ये है बेटा कि सिंपल सेंटेंस में ना सेड का सेड होता है और सेड टू को बनाते हैं टोल्ड। इंटरोगेटिव में चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, दोनों किस में बदलते हैं? आस्क्ड में। हाँ यशिता, टाइम नहीं मिला बेटा, टाइम मिलता ही मैं खुद करूंगी। सेड या सेड टू को आस्क्ड में, कोमा इन्वर्टेड कोमा वाली बात ध्यान से सुनना। अगर आपका क्वेश्चन WH फैमिली से बन रहा है, WH वर्ड, WH फैमिली का मतलब है हु हो, व्हेन हो, व्हाट हो, वेयर हो, हाउ हो, इन्हें WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन WH से बन रहा है तो इन्वर्टेड कोमा रिमूव हो जाएंगे, पर उसकी जगह पे लगाना कुछ भी नहीं है। इन्वर्टेड कोमा हट जरूर जाएगा पर उसकी जगह पे कुछ नहीं आएगा, सेम WH आएगा। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बना है तो इन्वर्टेड कोमा की जगह पे इफ आएगा। बहुत बार वेदर भी लगा देते हैं और वो मौसम वाला वेदर नहीं होता, WHETHER वाला मौसम वाला वेदर WEA वाला होता है, ठीक है? तो हमें वेदर या इफ में से जो मिल जाए हम वो लगा देंगे। कब? सेड या सेड टू को आस्क्ड बनाएंगे, WH का WH हेल्पिंग वर्ब की जगह आएगा इफ। अब अगली बात सुनना ध्यान से, डायरेक्ट स्पीच में स्ट्रक्चर होगा WH के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। हम इसे पलट के बना देंगे, WH के बाद सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब। डायरेक्ट स्पीच में स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, हम इसे पलट देंगे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। ये वो चीजें हैं जो बहुत मुश्किल लगती हैं बच्चों को और बहुत आसान तरीके से मैं आपके सामने लिख रही हूं। लेफ्ट में डायरेक्ट स्पीच लिख रही हूं और राइट में इनडायरेक्ट स्पीच लिख रही हूं। क्वेश्चन मार्क जो है ना नरेशन में, वो फुल स्टॉप में बदल जाता है, जबकि वॉइस में ऐसा कुछ नहीं होता। एक्टिव और पैसिव दोनों में क्वेश्चन मार्क रहता है।